अज आप गल करते हैं झोने के पराली प्रबंधन बारे, जिमें कि आप सारे जानते हैं कि झोने की पराली को आप खेत के मिला के भी काफ़ी हद तक इस दे नाल निपटा जा सकता है, पर कुछ किसानों दियां ये समस्यावां सुन दे विच आउंदियां कि पराली नूं खेत दे विच वाहुण नाल जो कणक दे उपर जो कीटां दा हमला काफ़ी हद तक हो जाता है, इसका जो नुकसान है किसानों नूं झलना पैंदा। इस तों इलावा जेकर आपां पराली प्रबंधन वास्ते अगले तरीके की गल करिए, उसका सब तो पहला जो आउंदा है कि पराली नूं आपां खेत दे विचों कढ के भाव गठ्ठा बना के उसका किहड़ा किहड़ा लाभ लै सकदे हां। तां जेकर आपां पराली प्रबंधन दे नाल नाल गठ्ठा बनाउण दी गल करिए, जिवें कि आपां सारे जाणदे हां कि झोने दे कट्टे हुए वड्ड दे विच रीपर फेर के पराली नूं इकसार कट लिया जांदा है अते कुछ दिनां तक उस नूं खेत दे विच सुका लिया जांदा है। सुकी हुई पराली नूं इकसार लाइनां दे विच इकट्ठा कर लिया जांदा है अते उस तों बाद इस दीआं गठ्ठां बना दित्तीआं जांदीआं। पराली दीआं गठ्ठां बनाउण वालीआं मशीनां दी गल करिए, तां अज्जकल मार्केट दे विच काफ़ी वक्ो वक् जो मशीन पराली दठा बना जिस चौरस गठा भाव के स्केयर टाइप रैक्टेंगुलर टाइप जो गठा बना मशीन वो छोटे पद्धर से गठा बना। इस तो अलावा अजक बेलर जो व्डे पद्धर से व्डिया गठा भी बना दें। गठा बना के इकट्ठी की हुई पराली तो आप बिजली पैदा भी कर सकते हैं। इस तो बिजली पैदा करने आप बिजली ताप घर गठा साड़ के स्टीम टरबाइना चला के बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। पंजाब दे विच काफ़ी हद तक इस तरह के जो स्टीम पावर प्लांट लगे हुए हैं। इस दे नाल ही गल करते हैं बायोगैस प्लांट बारे, जो कि पराली नाल चलन वाला बायोगैस प्लांट पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी वालों विकसित किया गया। इस बायोगैस प्लांट दे विच आपां लगभग 16 क्वांटल पराली की वरतों करके नाल 4 तों 5 क्वांटल गोहे की वरतों करके कई महीनों तक बायोगैस उत्पन्न कर सकते हैं। इस तरह के बायोगैस प्लांट दे विच आपां नूं हर रोज़ गोहा अते पानी पाउण दी जरूरत नहीं पैंदी, लगातार आपां नूं बायोगैस मिलदी रहिंदी है। गठ्ठा बनाउण तों बिना जो आपां पराली दी होर वरतों कर सकदे हां उस दे विच सब तों पहला आउंदा है पराली तों कंपोस्ट तैयार करना। पराली तों आपां फास्टो कंपोस्ट भी तैयार कर सकदे हां जो कि जैविक खेती दे विच काफ़ी हद तक प्रभावशाली मन्नी जांदी है। इस तों इलावा आपां पराली तों पराली चार भी बना सकदे हां जो कि एक बहुत वधिया कार्बन भरपूर मुसामदायक पदार्थ है। इसकी वरतों आप खेतों के ऑर्गेनिक मन्योर के तौर पर कर सकते हैं जो कि काफ़ी हद तक नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश तत्व की कमी को पूरा कर देता है। इन्हों तो अलावा आप पराली की वरतों आम रोजाना जिंदगी दे विच कर सकते हैं, जिस दे विच सब तो पहला होंदा है डंगरां हेठ जो आप सुक के तौर पर पराली की वरतों कर सकते हैं। इस तो अलावा बासमती झोने की पराली काफ़ी हद तक डंगरां के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। इस तो नाल ही जो आपां पराली की वरतों खुंभां की काश्त करने लई भी कर सकते हैं। इन्हां तो अलावा पराली की वरतों अगले सीजन विच उगण वालियां फसलां दे विच मलचिंग दे तौर ते कीती जा सकती है। पराली मलच तो भाव खड़ी फसल दे विच पराली की तह विछाउणा जो कि फसलां दे विच उगण वाले नदीनां नूं काफ़ी हद तक घट कर दिंदी है। आखिर दे विच किसानां नूं अपील करदे हां कि वह इन्हां ढंगां की वरतों करके वातावरण की संभाल दे विच अपना योगदान पा सकते हैं। धन्यवाद।